हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएमटी कोर्स। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू इज 10 यूनिट्स। देखिए, अब तक हम डिस्टेंस निकालते थे, ठीक है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे P और Q दो पॉइंट रहता था, या फिर A और B दो पॉइंट रहता था, कोई भी दो पॉइंट रहता था, ठीक है ना। और हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से, ठीक है ना, उसका वैल्यू निकालते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, दो पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है सॉल्यूशन में। यहाँ पास जैसे P और Q दो पॉइंट है, तो हम PQ का वैल्यू निकालते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास PQ का वैल्यू दिया है कितना, 10 यूनिट, ठीक। अब ये गिवन डाटा में, ठीक है ना, सॉल्यूशन में यहां पास गिवन डाटा, ठीक है ना, गिवन, ठीक। पी क्यू कितना दिया है, 10 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन निकालते कैसे थे एक फॉर्मूले से, ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला था क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम निकालते थे, ठीक है ना। गिवन में हमको क्या दिया है, PQ 10 यूनिट्स, ठीक है ना, और जो पॉइंट P है एंड P 2,3 और जो Q है, ठीक है ना, Q जो पॉइंट है 10,-y, ठीक है ना। ये दो पॉइंट है, ठीक है ना। अब इन दोनों पॉइंट का जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो है 10 यूनिट, ठीक है ना, और इस दोनों पॉइंट दिया हुआ, ठीक है ना। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है वाई का वैल्यू, ठीक है ना, इसमें वाई का वैल्यू, ठीक है ना। अब तक हमको पॉइंट दिया हुआ था, ठीक है ना, जैसे x1 और y1 का वैल्यू दिया रहता था, x2 और y2 का वैल्यू दिया रहता था, ठीक है ना। लेकिन इसमें y2 का वैल्यू नहीं दिया है, y2 का वैल्यू की जगह पे यहाँ पास जो टोटल डिस्टेंस था, मतलब PQ का जो वैल्यू है वो दिया है, ठीक है ना। यहाँ पास हम PQ का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पास PQ का वैल्यू फाइंड करने के लिए, सॉरी, मतलब y2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना। नाउ PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक है ना भाई। PQ का वैल्यू निकलेगा कैसे, भले दिया हुआ है, ठीक है ना, 10 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन निकलता कैसे, इसी फॉर्मूले से निकलेगा ना। तो यहां पास PQ का वैल्यू पुट करेंगे, x2 और x1 का वैल्यू पुट करेंगे और y1 का वैल्यू पुट करेंगे। हमको चाहिए क्या, यहां पास y2 का वैल्यू चाहिए, यानी कुल मिला के वाई का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास वैल्यू इसको पुट करते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। PQ का वैल्यू कितना दिया है, 10 यूनिट, यहाँ पास 10 इक्वल टू x2। अब इसको आप ले लीजिए x1 y1 और इसको ले लीजिए x2 y2, ठीक है ना, आपका y2 है, ठीक। तो x2 कितना है, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस, यहां पास y1 कितना है, -3, तो यहां पास हो जाएगा +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब इस स्क्वायर रूट को इधर साइड भेजिए, सॉरी, अंडर रूट को इधर साइड भेजेंगे तो ये स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पास सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक स्टेप कट कर देते हैं, यहाँ पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। 64 को इधर साइड भेजिए तो 100 माइनस 64 इक्वल टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 36 आएगा इक्वल टू
फाइव प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक। अब इस स्क्वायर को इधर साइड कीजिए तो ये अंडर रूट में आएगा, ठीक है ना, अंडर रूट 36 इक्वल टू वाई प्लस थ्री। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सिक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री, प्लस माइनस सिक्स इक्वल टू वाई प्लस थ्री, ठीक। इसको तो प्लस थ्री को इधर साइड भेजते हैं तो दो बार लेंगे ना, एक बार टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव यानी प्लस सिक्स, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस थ्री आएगा वाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो थ्री आएगा, वाई इक्वल टू थ्री, ठीक। अब लेते हैं निगेटिव में, निगेटिव तो पॉजिटिव वाला खत्म, निगेटिव यानी माइनस सिक्स, अब इसको इधर साइड भेजेंगे तो माइनस थ्री आएगा वाई, यहां से हो जाएगा माइनस नाइन। तो y का वैल्यू एक बार 3 आएगा पॉजिटिव में और एक का माइनस 9 आएगा, ठीक ना, दो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक बार माइनस 9 एक बार 3, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।